एक चोट और हो गई है बाइक के साथ में ही, एक और नुकसान, एंड इस बार ये फोर्थ टाइम हुआ है। मुझे भी आज कहीं निकलना है, बाय बस जाने वाला हूँ मैं, वो अभी मैं नहीं बता सकता, कुछ सरप्राइज है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। और धूप में कितनी भी देर खड़ी रहे गर्म नहीं होगा, मतलब बैठते हैं तो पिछवाड़ा ऐसे ऐसा लगता है ना कि गर्मा गर्म तवे पे बैठ गए हों। उस तरह गाइस अभी शाम के 4:41 हो रहे हैं और सोच रहा हूँ ग्लोव्स पहनूं कि नहीं पहनूं। धूप तो अच्छी खासी है, सूर्यदेव का बहुत अच्छा खासा प्रकोप है, लेकिन ये थोड़ी सी लगी हुई है तो आइडिया नहीं है दर्द होगा कि नहीं होगा, पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है। और अभी मैं निकल रहा हूँ हिम्मत नगर के लिए, शोरूम जाने का है। शोरूम वालों का फ़ोन आया था मेरे पास में कि आपका तो कैशलेस हो गया है प्रोसेस, लेकिन हमने फोटो नहीं खींची है पुराने एलॉय की, जो टूटा हुआ एलॉय था उसके साथ में बाइक की, तो वो जब तक इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भेजेंगे तब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके लिए बाइक का फोटोशूट के लिए। अभी मैं फटाफट से पंच आउट कर देता हूँ। ग्लव्स भी पहन ही लिए जाए, गर्मी बहुत तेज है, बहुत तेज धूप है। पहनते टाइम घिस रहा है ना उस पर तो दर्द हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन अभी ठीक है। पहनते और उतारते टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्यूल रेंज 99 KMPL, सॉरी KMPL नहीं, 99 किलोमीटर्स, 27 एवरेज माइलेज आ गया है। वो तो जैसी चलाओगी वैसे माइलेज देगा, अभी 33 आ गया है, जिस तरह से चलाओगे उस तरह से माइलेज आएगा। और मैं तो ये छोटे वाले से ही निकल जाता हूँ, आगे कौन जाएगा। यहाँ पे खाली एग्जॉस्ट साउंड सुनना, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं है, स्टॉक एग्जॉस्ट भी काफी सही लगता है। काफी सही लगता है स्टॉक एग्जॉस्ट भी। आप लोगों को एक बात और बताऊंगा मैं, एक चोट और हो गई है बाइक के साथ में ही, एक और नुकसान, एंड इस बार ये फोर्थ टाइम हुआ है। यानी फर्स्ट टाइम सीट फटी थी बाइक की, सेकंड टाइम में बाइक का कवर जो मैंने लगाया था वो कवर फटा था, थर्ड टाइम अलॉय बैंड हुआ था, अभी ये इस बार ही फोर्थ है। कुछ तो हुआ है, नुकसान तो उसमें भी है, इतना मोटा नहीं है, लेकिन परेशानी तो होती है, बाइक अच्छी नहीं दिखती है, सूखली सूखली दिखती है बाइक। तो मैं और सर्विस रेट लेन पे मैं इसलिए चल रहा हूँ, कहीं थोड़ी अच्छी खासी छाया मिले तो वहाँ रुक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है बाइक में, क्या नुकसान है। वो सूर्यदेव का ना प्रकोप बहुत खतरनाक है। चलो यहीं रोक।
रोक लेते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से दिखाऊं, ये एक्शन कैमरा से ही दिखाऊं इसी से, या फिर ओह शिट मैंने सीधा ही खींच लिया, फोन से शूट करके दिखाऊं। आई थिंक फोन वुड बी ए बेटर ऑप्शन। तो बात कुछ ऐसी है, फिर से अपनी बाइक की सीट डैमेज हो गई है, और कुछ तो नहीं किया है, पार्किंग में खड़ी थी बाइक और डैमेज कर दिया, जबकि इस बारी मैंने वो पार्किंग में थोड़ी सी देर के लिए खड़ी की थी। जस्ट हैव अ लुक, ये यहाँ से पता नहीं क्या मजा आया कुत्तों को, ये इधर से भी थोड़ी दोनों सीट करी है, और ये इधर ऊपर साइड में थोड़े नए स्क्रैचेस कर दिए। तो अभी इसका अगर कोई सॉल्यूशन तो मेरे पास है नहीं, आप लोगों के पास अगर कोई भी तरह का सॉल्यूशन हो तो मुझे जरूर सजेस्ट करें कि क्या किया जाए ये स्क्रैचेस का, और जो कुत्ते ऐसे बार बार में बाइक को डैमेज कर दे रहे हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जो भी आप लोगों के पास सॉल्यूशन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नीचे मैं फॉलो ज़रूर करूँगा। मैं तंग आ गया हूँ यार, अब ये कुत्तों से जो भी ये लोग ऐसे हरकतें हो रही हैं मेरी बाइक के साथ में, एक महीने में बैक टू बैक चार बार हो चुका है ऐसा, तो मैं बहुत खतरनाक तरीके से तंग आ चुका हूँ। कुछ सॉल्यूशन दो गाइस। चलो अभी फटाफट से मैं शोरूम चलता हूँ, क्योंकि टाइम क्या हुआ है 4:48 हो गए हैं ऑलरेडी, उन लोगों को मैंने टाइम दे रखा था, तो मैं फटाफट से जाता हूँ, शायद लेट चल रहा हूँ मैं, 5 तो मुझे पहुँचना था और अभी पहुँचा भी नहीं जाएगा। फटाफट से वो लोगों के पास में जाके उनका फ़ोटोशूट का करा के ये सीट भी वापस से बनवा लूँगा, सीट कवर है, और बाद में देखते हैं क्या करना है। लो जी, तो देखते ही देखते पहुंच गए आगवन TVS। अभी बाइक का करेंगे पुराने एलॉय के साथ शायद फोटोज क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ से गई उसी दिन। कुत्तों ने मार दिया। ये रिपेयर करवाया होगा पहले फाड़ी थी, उसके बाद में वापस करवाई, अब दोबारा फाड़ दी। एशियन के कुत्ते बहुत खराब है। चलो भाई, वो तो फोटो शूट तो हो गया, छोटा सा था, अभी सीट का काम करवाएंगे। पाँच मिनट ही लगाई ये लोगों ने, अब फटाफट से सीट का काम करवा के और फिर मुझे भी आज कहीं निकलना है, बाय बस जाने वाला हूँ मैं, वो अभी मैं नहीं बता सकता, कुछ सरप्राइज है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो बाइक रेडी करके और फिर एशियन में मैं रहता हूँ, अमेजोन में जॉब करता हूँ, तो अमेजोन की पार्किंग में इसको खड़ी करके जाऊँगा मैं, ताकि सेफ है, अमेजोन की पार्किंग एटलीस्ट सेफ तो है। जा टीट टीट करन लाग रहे हो, हाला दिख नहीं रहा आगे बस है, अंधा कहीं का, जा अब कहाँ जाएगा, इतनी साइड में जगह तो पहले से पड़ी थी।
यही मत ठीक है। बस ये अंकल की दुकान बंद ना हो, किस्मत अच्छी है कि खुली है दुकान, तो यहाँ पे अपने भाई का काम आराम से हो जाएगा। लो जी तो सीट तो रेडी हो गई और अभी मैं जा रहा हूँ रिलायंस। अब वो ट्रेंड है कि फ्रेश है कि डिजिटल है पता नहीं कुछ भी काम नहीं है, छोटा सा एक काम है खाली, डीओ लेके आना है। डीओ खत्म हो गए मेरे तो जो सीट कराई है वो इस बार थोड़ी यूनिक कराई है, रेडी है सीट एकदम से, और थोड़ी सी यूनिक कराई है वो भी आप लोगों को दिखाई जाएगी, लेकिन थोड़ी शांत जगह पर पहुंच करके। एक तगड़ा है एक दिखाता हूँ, व्हेन यू डोंट हैव द बैकपैक विद यू, यू कैन पुट जो भी खरीदा है वो हेलमेट के अंदर रख सकते हैं। लो जी लो सब कुछ काम हो गया, वैसे तो यहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है इसलिए जो सोचा था वो सब तो हो नहीं पाया, लेकिन ठीक है अपना काम चलाओ, सारा काम हो चुका है और फ्यूल रेंज भी 86 किलोमीटर्स की बची है, तो बेटर टू रिफ्यूल इट नाउ। अच्छा तो मैंने शायद आप लोगों को सीट्स दिखाई नहीं है इसकी, मतलब जो भी रिपेयर हुई है अभी दोबारा से, तो वो मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मटेरियल भी अलग है इस बार और कंफर्टेबल भी है, और धूप में कितनी भी देर खड़ी रहे गर्म नहीं हो गया, मतलब बैठते हैं तो पिछवाड़ा ऐसे ऐसा लगता है ना कि गर्मा गर्म तवे पे बैठ गए हों, उस तरह से बिल्कुल भी फील नहीं होगा। देखिए क्या मखमली जबरदस्त सीट है, कपड़ा है ये एक्चुअली, तो ये गर्म भी नहीं होगा और इसका जो मटेरियल है वो भी लगभग इतना मोटा है। लेट मी शो यू, ये देखिए ये इतना मोटा है, इसके अंदर भी स्पंज है हल्का हल्का, तो काफी कंफर्टेबल है और बहुत सही भी है, गर्म भी नहीं होगा ये, कितने भी धूप रहे सूर्यदेव का कैसा भी प्रकोप रहे अपने को कोई फर्क नहीं, आई मीन बैठने में फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी चीजों में तो ऑब्वियसली फर्क पड़ना ही है। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, बाकी अभी सही लग रही है, बस अभी ये स्क्रैचेस का कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए, वो कुछ आप लोग भी सजेशन दीजिएगा, मैं भी कुछ पता करता हूँ। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि सीटें कैसी लगी, आज मैंने बहुत सारी चीजों की राय मांग ली है और आई रियली नीड ऑल दीज थिंग्स, मतलब ये सभी चीजों का आप दीजिए अपनी अपनी राय, जो बेस्ट रहेगा वो किया जाएगा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:12 और थोड़ी खतरनाक वाली, थोड़ी नहीं खतरनाक लेवल की भागा दौड़ी करके पहुंचा हूँ, बस पकड़ी है मैंने
क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था सारे काम निपटाने के चक्कर में। प्लांट से एक्चुअली थोड़ा लेट निकला था मैं, 4:30 बजे के करीब मैं निकला था, मुझे 3:30 के करीब निकलना चाहिए था तो मैं बराबर टाइम से सब कुछ कर पाता। थोड़ा सा आवाज़ से आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि अभी आई एम इन द बस राइट नाउ एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स, छोड़ो ये, लेट इट कीप अ सीक्रेट एज ऑफ नाउ क्योंकि मुझे अभी रिवील नहीं करना है, सरप्राइज मेरे लिए है तो आप लोगों के लिए भी ये सरप्राइज ही होना चाहिए। पानी की बोतल लगी है, अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है बस में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक पहुँची है तो लाइक वीडियो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर दो दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।